नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 14 फरवरी के सुबह 10 बजे से जी हाँ दोस्तों, यश में से आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी और कुछ ऐसी ही बड़ी बातें होंगी जिनसे दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि यश में ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यश में गुरु मकर राशि में उदित होंगे और यह परिवर्तन आपकी जीवन को बदल देगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप पिछले कई समय से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा शुभ समय कब आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि गुरु बृहस्पति धन लाभ कराने के आपको मौके प्राप्त करवाने वाले हैं। यश में आपके कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि मिलने वाली है। दोस्तों घर से जुड़े जो भी आर्थिक तंगियां हैं यश में गुरु बृहस्पति के परिवर्तन से खत्म होंगी। गुरु बृहस्पति जो भी मकर राशि में उदित होंगे तब आपके जीवन में खुशियां आने प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे में ये समय आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इन्हें बिल्कुल ना गंवाएं और सभी महत्वपूर्ण समयों का सदुपयोग करें। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि एक दो से कार्य होंगे जहाँ पर आपको सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वह कौन से क्षेत्र होंगे, इन्हें जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इनमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि यश में आपको किन किन क्षेत्रों में सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, घर के माहौल में ये ग्रह क्या बदलाव करेंगे, आपके पारिवारिक माहौल में क्या सुधार होगा, घर की आर्थिक तंगियाँ किस प्रकार खत्म होगी। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में दिन उत्तम वही होगा, खुद को समर्थ और ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। अपने पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने में भी आप सक्षम रहेंगे। साथ ही दोस्तों आप कुछ ऐसे कार्य भी यश में करेंगे जिससे आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। घर में संतान के विवाह संबंधी गतिविधियों की तैयारियां जोर शोर से चल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में किसी के द्वारा गलत फहमी उत्पन्न करने की वजह से घर में नकारात्मकता हावी रह सकती है, जिसकी वजह से आपका मन परेशान रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने के लिए आप यश में किसी प्रकार का खतरा ना उठाएं, इससे आप सावधान रहें। ससुराल पक्ष के साथ संबंध यश में आप मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिन की शुरुआत से ही थकान महसूस होने की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता भी आ सकती है। महत्वपूर्ण काम को यश में आप टाल सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं इनका विरोध भी यश में हो सकता है और इनकी वजह से आपके मन में जो है गुस्सा भी यश में बढ़ सकता है। दूसरों को भी अपनी बातें जाहिर करने का हक होता है, इस बात को यश में आपको समझने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मन में चल रही शंका तनाव आदि का विराम होगा और आपका जो दिन है शानदार तरीके से व्यतीत भी होगा। कार्य को नए और बेहतर ढंग से करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। संपर्कों का दायरा इसमें आपका बढ़ेगा तथा ये संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। आपको बता दें कि किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यश में कुछ चुनौतियां आपके सामने भी आएंगी, लेकिन आप अपने मनोबल से परिस्थितियों का मुकाबला भी करने में सक्षम रहेंगे। खर्चों की कटौती रखें, अन्यथा आर्थिक समस्याएं आ सकती है। नशे जैसी प्रवृत्ति से आप यश में दूर रहें तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दोस्तों ये आपके यश में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप पर जिम्मेदारियों का बोझ इसमें बढ़ सकता है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। जिन बातों को बदलने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे दोस्तों उनमें थोड़ी स्थिरता नजर आएगी, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की यश में अति आवश्यकता होगी। आपको आपके मार्ग से भटकने की कोशिश किया जा सकता है, कोई आपके ऊपर साजिश कर सकता है। तो दोस्तों यश में विद्यार्थीगण सतर्कता जरूर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी कारण विशेष पर यश में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा तथा सफल भी आप उनमें रहेंगे। नई गाड़ी खरीदने का योग भी प्रबल बने हुए हैं। दोस्तों यश में कोई परोपकार संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। नई नई बातें की जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। किसी समारोह में आपकी विशेष भूमिका भी रहने वाली है। परंतु दोस्तों यश में
किसी कार्य में रुकावट आने से आपकी सहन शक्ति जवाब दे सकती है, आत्मविश्वास भी ढोल जाएगा। आपको बता दें कि व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट ना करें और मन में कुछ अनहोनी होने की शंका भी आपकी रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए उसे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप नुकसान की भरपाई करने में यह समय सफल हो सकते हैं। पैसे से संबंधित बातों में प्रगति यश में नजर आने वाली है। अकेले में ही समय बिताने की इच्छा आपकी यश में हो सकती है। मित्र परिवार से कुछ लोगों के साथ दूरियां बनाए रखना आपके लिए यश में ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी उपलब्धियों को और किसी के साथ शेयर ना करें, साथ ही अपनी उपलब्धियों को अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। आपको बता दें कि मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ रहेगा। उत्तम साहित्य पढ़ने तथा नए विषयों पर जानकारी लेने का आपका रुचि रहेगा। आपको बता दें कि विद्यार्थी का अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान रहेगा। शादी दोस्तों, परंतु कोई भी कार्य आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करना पड़ सकता है, इस बात पर गौर करें। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग आपका विरोध करेंगे तथा पीठ पीछे आपकी आलोचना भी वह कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इन बातों पर आप ध्यान न दें और अपने कार्यों पर ध्यान को केंद्रित रखें। आपको बता दें कि बेकार की अफवाह आपके ऊपर फैला सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें और अपने ध्यान पर अपने काम पर ध्यान को केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जरूरत से अधिक वक्त आपका प्रेम से संबंधित बातों में ही बीत सकता है। रिलेशनशिप को जरूरत से अधिक ध्यान देने की वजह से आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण काम को नजरअंदाज किया जा सकता है, तो दोस्तों यश में अब इन बातों पर गौर दें और अपने काम को लेकर आप जो है सतर्क रहें। अपनी जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत बातों को अलग अलग रखने की आप कोशिश करें। दोस्तों ये आपके लिए यश में बेहतर शब्द होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में काम से संबंधित डेडलाइन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी भी व्यावसायिक कार्य में दिक्कत आने की वजह से घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आप अवश्य लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही सरकारी कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ की संभावना बन रही है। दोस्तों यश में अपने टैक्स, लोन आदि संबंधित पेपर्स को कंप्लीट रखें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में अधिकारी वर्ग से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सोचे हुए कार्य पूरा करने की यही उत्तम समय है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने का समय होगा। आपको बता दें कि आप में हर मुश्किल का सामना करने का सामर्थ्य ही रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार संबंधी प्रयासों में सफलता मिलेगा। यश में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आप कदम उठाएं, आप इनमें सफल रहेंगे। दोस्तों ये सभी बातों पर आपको गौर करना चाहिए तथा आय के स्रोत भी यश में बढ़ने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग जिम्मेदारी और फिर विश्वास के हर स्तर पर बहुत बढ़िया काम करेंगे। आपको बता दें यश में आपके जो व्यवसाय है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों वर्तमान व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए जो समय है, आपके पास नए अवसर आ सकते हैं, नए प्रस्ताव आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से किए गए निवेश में अतासित लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में भी विजय हासिल होगी। अगर आप स्टाफ आदि बदलना चाहते हैं तो दोस्तों यह समय बिल्कुल सही समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपकी पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार में खुशी और मज मस्ती का आलम रहेगा। किसी बात पर जीवन साथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, परंतु इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर का माहौल तो खुशनुमा बना रहेगा, बच्चों तथा परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। रिश्तेदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी आप यश में बखूबी निभा भी पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों के मामले में आप भाग्यशाली यश में रहने वाले हैं। घर का माहौल भी सुखद और खुशनुमा रहेगा। रिश्तेदारों की भी घर में आवाजाही रह सकती है। साथी दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। परंतु दोस्तों इन संबंधों की वजह से आपके करियर के प्रति लापरवाह ना रहें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
दोस्तों यश में आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने के लिए योगा, व्यायाम, डाइटिंग आदि पर ध्यान देना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के जो होंगे, आपको बता दें तनाव तथा अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मबल द्वारा कार्यों को करने के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मौसमी बीमारियों से आपको परेशानी भी थोड़ा सा हो सकता है। यश में माता पिता अथवा घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों यश में इन बातों पर ध्यान दें, साथ ही अगर आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, आपके व्यक्तिगत दिनचर्या तथा खान पान वर्तमान वातावरण को स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।